नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास होगी हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आदिकाल। हमने हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा को भी पढ़ लिया था, उसके बाद हमने शुरुआत की थी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल की, आदिकाल की। आदिकाल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य को हमने मुख्य रूप से चार भागों में बांटा, यानी कि आदिकाल को मुख्य रूप से तो चार भागों में बांटा जाता है। और बात करें गणपति चंद्र गुप्त द्वारा आदिकालीन साहित्य को, आदिकालीन साहित्य को गणपति चंद्र गुप्त ने तीन भागों में बांटा। कौन कौन से? एक राज्यश्रित, एक राज्यश्रित, एक धर्माश्रित, साहित्य और एक हो जाएगा एक राज्यश्रित साहित्य, एक धर्माश्रित साहित्य, एक लोकाश्रित साहित्य। राज्यश्रित साहित्य के अंतर्गत गणपति चंद्र गुप्त ने रासो साहित्य को रखा। धर्माश्रित के अंतर्गत इन्होंने जैन साहित्य और नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, इन तीनों साहित्य को रखा। और लोकाश्रित के अंतर्गत इन्होंने जो लौकिक साहित्य है उनको रखा, जैसे कि विद्यापति की पदावलियाँ और अमीर खुसरो की रचनाएं, पहेलियाँ, मुकरिया, इन सभी को इन्होंने लोकाश्रित के अंतर्गत रखा गणपति चंद्र गुप्त के। हमने बात की गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आदिकालीन साहित्य को तीन कालों में बांटा, जिसमें हमने राज्याश्रित रासो साहित्य को कंप्लीट कर लिया था। पिछली क्लास में हमने दो तीन क्लासों में रासो साहित्य, रासो शब्द की उत्पत्ति, कौन कौन से प्रमुख रासो साहित्य हुए, किन किन रासो साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य रहे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो और अन्य जितने भी, खुमान रासो, अन्य जितने भी रासो ग्रंथ रहे हैं हमने उनको डिटेल वाइज किया है। और एक भी पॉइंट हमने मुख्य रूप से नहीं छोड़ा है कि परीक्षा में आने लायक जो जो मुख्य पॉइंट है वे हमने सभी पिछली क्लास में कर लिए थे। और जो एक दो पॉइंट हमारे रह जाते हैं किसी वजह से या कंटेंट की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाते, वे हम क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने रासो साहित्य को कंप्लीट किया तो मैं एक क्लास जितना आदिकाल के अंतर्गत हमने अब तक पढ़ा है, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ और नामकरण वगैरह, उनसे संबंधित रासो साहित्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, पूरा का पूरा रासो साहित्य, इनसे संबंधित मैं एक क्लास अब कल ही क्वेश्चन आंसर की भी डाल दूंगी आदिकाल की। फिर हमारा जैसे जैन साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य कंप्लीट हो जाएगा, इनकी क्वेश्चनों की क्लास डाल दूंगी। तो जैसे जैसे हमारी कंटेंट की क्लास होती जाएगी उसी तरह हम अपने क्वेश्चन आंसर की भी एक एक क्लास के अंतर्गत करते हुए चलेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले किसी भी टॉपिक को, आप क्वेश्चनों की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे, चीज़ें आपको उतनी ही सुलझती हुई नज़र आएगी और आपको याद होती रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज करेंगे हम जैन साहित्य। पिछली क्लास में हमने रासो साहित्य किया था, अब करेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या है, इनके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट ऐसे बनते हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आज डिटेल से हम इन सभी को करने की कोशिश करेंगे। जैन साहित्य का एक नाम और है भाई, रास साहित्य। रास साहित्य, जैन साहित्य का क्या नाम है? रास साहित्य। रासो साहित्य अलग है और रास साहित्य अलग है। और रास साहित्य क्या है, ये जैन साहित्य के अंतर्गत दो साहित्य
दो प्रकार के काव्य लिखे गए, अधिकतर एक प्रबंध काव्य एक मुक्तक काव्य। अधिकतर लिखे जाने वाले काव्य रहे प्रबंध काव्य, और प्रबंध काव्य के अंदर जो शैली निकली उसे ही रास कहा गया। रास एक शैली का नाम है, इसीलिए ये रास शैली जैन साहित्य के अंतर्गत प्रमुख होने के कारण इस साहित्य का नाम भी रास साहित्य रख दिया गया। इस तरह हमें बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को जोड़ते हुए ऐसे इस तरह हमने अपनी तैयारी करनी है ताकि हमें परीक्षा में कठिनाई ना हो। तो जैन साहित्य का दूसरा नाम रास साहित्य। अगर हम इसकी समय की बात करें तो ये लगभग छठी शताब्दी से लेकर 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी तक रहा। अगर पूछ लिया जाए कि जैन साहित्य की जो समय सीमा रही वो कितनी मानी जाती है, तो जैन साहित्य की समय की शुरुआत छठी शताब्दी से हमें देखने को मिली। जैसे कि अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश रचनाओं में हमें जैसे स्वयंभू की रचनाएं, पुष्यदंत की रचनाएं, स्वयंभू की छठी शताब्दी में ही की शुरुआत हो चुकी थी। उससे छठी शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक जैन साहित्य रहा लिखा गया। और उसमें जैन साहित्य क्या है इसके बारे में और बात कर लेते हैं एक बार। जैन साहित्य जो जैनियों द्वारा जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया उसे ही जैन साहित्य कहा गया। जैसे जैनियों द्वारा, किन जैनियों द्वारा, जैन के अंतर्गत 24 तीर्थ अंकर हुए, उनमें सबसे अंतिम महावीर प्रसाद स्वामी रहे, और इनके जो अनुयायी रहे उनके द्वारा जो रचित काव्य रहा वही हमारा क्या कहलाया, जैन साहित्य कहलाया या फिर रास साहित्य कहलाया। इस प्रकार बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये पूछ लेंगे कि जैन साहित्य किन के अनुयायियों द्वारा लिखा गया, नाम दे देंगे डायरेक्ट, तो महावीर प्रसाद स्वामी, ये याद रखना है। नेक्स्ट, जैन साहित्य गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ कहाँ से, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार की रचनाएं लिखी गई, एक तो अपभ्रंश युक्त रचनाएं, एक अपभ्रंश मुक्त रचनाएं। अपभ्रंश युक्त रचनाएं किस का समय सीमा रही, 10वीं शताब्दी से जो पहले की रचनाएं हुई वे अपभ्रंश युक्त यानी कि अपभ्रंश भाषा में लिखी गई रचनाएं उन्हें कहा गया अपभ्रंश युक्त रचनाएं। और अपभ्रंश मुक्त रचनाएं जो कि 10वीं शताब्दी के बाद जो रचनाएं लिखी गई उन्हें अपभ्रंश मुक्त रचनाएं कहा गया। धीरे धीरे जैसे संस्कृत, जैसे आदिकाल में ही जामें पाली की भी रचनाएं देखने को मिली, फिर प्राकृत की भी, फिर धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा की तरफ रचनाएं लिखी जाने लगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे हिंदी का विकास होना शुरू हुआ हिंदी की रचनाएं लिखी जाने लगी। अपभ्रंश जो मुक्त रचनाएं है वे बाद की जो रचनाएं है, अपभ्रंश के बाद में लिखी जाने वाली हिंदी में लिखी जाने वाली वे रचनाएं आ जाएंगी जो कि 10वीं शताब्दी के बाद की रचनाएं हुई, इन्हें हम कहेंगे अपभ्रंश मुक्त रचनाएं। इस प्रकार बढ़ते अगले पॉइंट पर। जैन धर्म की दो शाखाएं निकली, कौन कौन सी, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। हमारी हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा दिगंबर और श्वेतांबर के बिल्कुल डिटेल से तथ्य, लेकिन हिंदी में हमें बस इतना ही याद रखना है कि जैन साहित्य में दो शाखाएं निकली, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। अधिक से अधिक ये पूछ लेंगे कि दिगंबर शाखा का प्रचार और श्वेतांबर का कहाँ कहाँ पर हुआ, तो दिगंबर का दक्षिण भारत से प्राप्त हुई ये शाखा, और श्वेतांबर राजस्थानी और गुजरात
ये शाखा राजस्थानी और गुजरात, राजस्थान और गुजरात में हुई और ये हुई दक्षिण भारत में। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। जैन साहित्य के अंतर्गत पंचव्रत का पालन किया गया। जैन साहित्य के अंतर्गत पंचव्रत का पालन किया गया। जैन जो अनुयायी रहे, जैन साधु रहे, उन्होंने पंचव्रत का पालन किया। कौन कौन से पंचव्रत? अहिंसा, सत्य, ऐसे अस्ते और परिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये जो चार व्रत थे ये इन्होंने पहले ही अपना लिए थे, लेकिन जो ये ब्रह्मचार्य है ये इन्होंने अंत में बाद में अपनाया। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। जैन साहित्य के आदि स्रोत की बात करें, अगर ये पूछ लिया जाए परीक्षा में कि जैन साहित्य का आदि स्रोत क्या रहा, तो ये रहा जैन पुराण। जैन पुराण जो कि एक वैदिक कथाओं पर आधारित है, ये इनका आदि स्रोत रहा कि जैन जो रचनाएं हैं, जैन जो साहित्य है वे कहाँ से लिया गया, कहाँ से उनकी रचना की गई, तो उनका आदि स्रोत रहा जैन पुराण से, यानी कि वैदिक कथाओं पर आधारित से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन काव्य रूप यानी कि जैन साहित्य का काव्य रूप क्या रहा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जैन साहित्य का काव्य रूप, दो प्रकार के काव्य लिखे गए, कौन कौन से? एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के अंतर्गत एक ही पद में सारा, एक मुक्तक काव्य के प्रबंध काव्य तो पूरा का पूरा, पूरा जीवन से मृत्यु तक का जो वर्णन है, मतलब जीवन के सभी पार्टों का जो वर्णन है उसका बिल्कुल विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है, लेकिन मुक्तक काव्य के अंतर्गत एक ही पद में संपूर्ण अर्थ को समाहित कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा मुक्तक काव्य, स्वच्छंद रूप से लिखा जाने वाला काव्य। मुख्य रस, अगर जैन साहित्य के अंतर्गत बात करें मुख्य रस, तो मुख्य रस शांत रहा, क्योंकि इन्होंने, जैनियों ने अहिंसा पर बल दिया, अहिंसा, सत्य, इन सभी चीज़ों पर बल दिया इन्होंने, तो इसलिए मुख्य रस की बात करें तो शांत रस हो जाएगा। लेकिन वीर और सिंगार रस की भी इनके अंतर्गत, इनके काव्य में देखने को मिला है, वीर रस और सिंगार रस को भी। सिंगार रस जैसे कि फागु के अंतर्गत जो गीत गाए जाने लगे, आगे चल के आएगी इनकी मतलब शैलियाँ, कि जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ निकल के आई। चार प्रकार की शैलियाँ निकल के आई, आचरण, फागु, रास और चरित्र। आचरण के अंतर्गत, आचरण शैली के अंतर्गत घटनाओं के स्थान पर आचरण संबंधी उपदेश की प्रधानता रही, कि आचरण शैली जैन साहित्य में आचरण शैली वह शैली रही जो घटनाओं के स्थान पर आचरण को प्रधानता दी गई हो। उसके बाद फागु शैली की बात करें, फागु शैली वसंत ऋतु में गाए जाने वाले गीत फागु कहलाए, इसी के जो शैली निकल कर आई वो फागु शैली कहलाई, और केवल गीत। नेक्स्ट में हो जाएगी रास, रास शैली के अंतर्गत जो गीत गाए गए और साथ साथ गायन के साथ साथ नृत्य भी किया गया, तो रास कहलाया। उसके बाद आएगा चरित्र शैली, चरित्र की शैली के अंतर्गत चरित्र का वर्णन किया गया। इस प्रकार अगर शैलियाँ की बात करें तो जैन साहित्य के अंतर्गत कितनी शैलियाँ निकल कर आई? चार शैलियाँ। कौन कौन सी? आचरण, फागु, रास और चरित्र। इस प्रकार हमने सभी तथ्यों को देख लिया जैन साहित्य में। मुख्य मुख्य रूप से उद्देश्य की बात करें तो धर्म तत्व का निरूपण करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा। जैनियों का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? कि अपने धर्म का निरूपण करना, यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा। इस प्रकार हमने देखा कि जैन साहित्य कहाँ से निकला, जैन साहित्य क्या होता है, उनके अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएँ लिखी गई, ये किन किन किस किस स्थान पर जैन साहित्य की शाखाएँ निकल कर सामने आई, और
इनका जैन साहित्य के अंतर्गत व्रत पालन, अहिंसा, सत्याग्रह, परिहार और ब्रह्मचार्य, ये सभी इनके व्रत थे। और जैन साहित्य का आदि स्रोत जैन पुराण और भी इस और जैन साहित्य की शैलियाँ, जैन साहित्य का काव्य रूप प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों रूप पर रहे, लेकिन मुख्य रूप से प्रबंध काव्य ही माना जाता है। कि अगर मुख्य रूप से अगर जैन साहित्य का काव्य रूप पूछ लिया जाए तो प्रबंध काव्य, और मुख्य रस की बात करें तो शांत रस, और उद्देश्य की बात करें तो धर्म का निरूपण करना, यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ही जैन साहित्य है। इन्होंने अहिंसा पर बल दिया, और इनका जो अहिंसा पर बल देना, जैन का अर्थ ही होता है विजय, एक तरह से विजेता, अहिंसा पर विजय पाना ही जैन कहलाया। जैन शब्द का अगर अर्थ भी पूछ लिया जाए परीक्षा में तो हो जाएगा कि विजेता, एक तरह से अहिंसा पर विजय पाना ही जैन कहलाया। और रास जैन साहित्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य की एक प्रमुख शैली का नाम है। इस प्रकार हमने एक एक शब्दों को, एक एक तथ्यों को बिल्कुल डिटेल से समझते हुए किया है। इसी तरह आगे क्लास में करते हुए अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी रिवाइज करते हुए आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि परीक्षा का अभी ज़्यादा समय नहीं है, 3 या 4 महीने के अंदर परीक्षा हो जाएगी। और इसी तरह जो हमारा हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम चला हुआ है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, व्याकरण और भाषा विज्ञान कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे काव्यशास्त्र, इस तरह हर एक टॉपिक लेते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने पाठ्यक्रम को। जल्दी से हम रिवाइज करते हुए जल्द से जल्द अपने सिलेबस को कंप्लीट करके क्वेश्चनों पर बल देंगे, फिर अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर हम करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, इसी तरह अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे। आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई, चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और जो भी आप सुझाव देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। पढ़ते रहना, आगे बैठते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। आगे का जो जैन साहित्य के अंतर्गत जो हमारा बचा हुआ है वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।